राकेश तिवारी है। एक्चुअली मुझे 2-3 साल से मैं प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एसिडिटी होती है। तो पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला तो उन्होंने मुझे मतलब एंटासिड वगैरह दे के वो एसिडिटी को थोड़ा सा दबा देते थे, लेकिन मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं चंडीगढ़ में उस समय था, तो मैं PGI में मैंने टेस्ट कराए। मैं 6 महीने 7 महीने तक रेगुलर वहाँ पर जग गया और उन्होंने मुझे इंडोस्कोपी वगैरह करने के बाद बताया कि आपको एक हाइटल हर्निया है। तो आपको इसके लिए उन्होंने कहा कि या तो इसका कोई इलाज नहीं है, या तो आप मेडिसिन चलाते रहिए पूरी लाइफ, या फिर एक सर्जरी ऑप्शन है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर्जरी के लिए, तो उन्होंने कहा अभी सर्जरी आपको नहीं करनी है, आप मेडिकेशंस पे रहेंगे, आप मेडिसिन लीजिए। तो पिछले 3 साल से मैं मेडिसिन लेता आ रहा हूँ और मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया और मुझे कोई भी सही सजेशन कहीं से भी नहीं मिला। तो हर लोग यही बोलते थे कि आप जो है मेडिसिन लीजिए कुछ साल, मतलब टालते रहे कि मैं कैसे सही हूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी सर्च किया, बहुत चीज़ें मैंने सर्च करी, तो पता चला कि इसका सर्जरी ही एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। तो आप आज करा लीजिए, चाहे 5 साल बाद करा लीजिए, चाहे 10 साल बाद करा लीजिए, बट आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेडिसिन ही लेते रहोगे। और मेडिसिन में एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक बार भी मिस करते हो तो फिर आप उसको, आपको बहुत तेज एसिडिटी होगा और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको फिर से मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, मेडिसिन आप छोड़ नहीं सकते। तो अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ अहमदाबाद में था, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर का एड्रेस मिला क्लिनिक का। तो मैं उनसे मिलने आया, तो उनसे बात करके मुझे पता चला कि हाँ, इसका एक सर्जरी एक बेहतरीन इसका ऑप्शन है जिससे इसका निवारण हो सकता है। तो अभी के लिए मुझे बोला गया था चिराग ठक्कर जी से कि आप जो है 6 दिन पहले से आपको मेडिसिंस को बंद करना पड़ेगा, आपका pH स्टडी टेस्ट होगा और ईसोफोगल मोनोमेट्री टेस्ट होगा। तो इस वजह से मैंने मेडिसिन बंद तो की, बट अब मुझसे बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है। मैं मेडिसिन बंद करके तो बिल्कुल मैं मतलब खाना कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, ये हालत है मेरी कि मुझे कुछ भी खाता हूँ मुझे वॉमिट हो जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे 6 दिन भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 5वें दिन में ही यहाँ पर आना पड़ा और अपने टेस्ट के लिए। तो इतना सीवियरिटी है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बिना सर्जरी के तो सही हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो आज मेरी जो है ये सर्जरी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट होने हैं। तो pH टेस्ट के लिए मैं आया हूँ और ईसोफोगल मोनोमेट्री टेस्ट के लिए आया हूँ। अब इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। तो अभी देखते हैं कितना फ़ायदा होता है सर्जरी के बाद, फिर मैं वीडियो पोस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा। मैं कल यहाँ पर आया था तो pH टेस्ट के लिए डॉक्टर चिराग ने मुझे बोला, पहले तो मैं डर रहा था कि कैसे हो पाएगा, नली ऊपर से नाक से पेट में जाती है, फिर मैं कैसे खाऊंगा कैसे पीऊंगा। बट कल मैंने ये टेस्ट करवाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में जिससे मैं टेस्ट हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ा सा इरिटेशन होता है क्योंकि जब गले में ये नली जाती है तो थोड़ा सा तो इरिटेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, जब मैं पूरा 24 घंटे होने वाले हैं, मुझे 10-15 मिनट बाकी हैं केवल, लेकिन मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार भी नली जाने के बाद मुझे वॉमिट नहीं हुआ या खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा हाँ गले में ज़रूर लगता है कि हाँ कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि पहली बार ये नली अंदर है हर समय, तो वो थोड़ा सा इरिटेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जितना मैं डर रहा था उतना वैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा ही टेस्ट है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं। नींद भी प्रॉपर आई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने बैठने उठने में हंसने में बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। राकेश तिवारी है और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में पोस्ट किया था कि मेरा जब सर्जरी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज सुबह मैं 8:30 करीब मेरी सर्जरी शुरू हुई, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3 आवर्स की सर्जरी थी और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सर्जरी के दौरान। और अभी मैं शाम को अभी मैंने जूस भी पिया है, अनार का पानी भी पी रहा हूँ। तो ऐसा जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, आराम से खा पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, टॉयलेट भी खुद ही जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो
बहुत इजी सा मुझे लगा कि बहुत इजी है, और डॉक्टर चिराग ने तो मतलब जादू ही कर दिया। मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन मैं देख के डर रहा था इसके वीडियोज़, बट जैसा महसूस कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा। तो मेरे लिए तो डॉक्टर चिराग ठक्कर एक भगवान जैसे हो गए। तो अब इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया। मैं इतने सालों से परेशान था, अब मेरा ऑपरेशन हो गया है, होपफुली मैं मतलब बेटर कर पाऊँगा, आप मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यही सोचता हूँ। तो कुछ महीने बाद मैं फिर से बताऊँगा आप लोगों को कि क्या इम्प्रूवमेंट है। फिलहाल सर्जरी में मैं पूरी तरह से हैप्पी हूँ। पहले मैं डरता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको डरना नहीं चाहिए। मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप डॉक्टर चिराग से एक बार मिले, वो आपको इस विषय में समझा देंगे। अगर सर्जरी आपको रिक्वायर्ड होगी तो करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर्जरी में। थैंक यू। हाय दोस्तों, मेरा नाम राकेश तिवारी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं पहले से। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, ऑपरेशन हो चुका है मेरा, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है एसिडिटी से रिलेटेड, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है खाने पीने में, निगलने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो क्वांटिटी में मैं पहले खा पाता था, अब उस क्वांटिटी में नहीं खा पाता हूँ। जैसे पहले मैं दिन में 3 बार अपना डाइट प्लान था मेरा, मैं 3 बार खाना खाता था, तो मैंने अब उसको बढ़ा के दिन में 5 या 6 बार मैं खाता हूँ, स्मॉल स्मॉल डाइट लेता हूँ। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर चिराग ठक्कर ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, इसमें कोई भी मुझे डाउट नहीं है। और मैं चाहूँगा कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करे प्रॉब्लम को, डॉक्टर चिराग ठक्कर से मिले ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सके। थैंक यू दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।